अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। नमस्कार, VITV एक नेशनलाइज्ड वेब बेस्ड चैनल है। दोस्तों, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि लाखों लोगों की जिंदगी पर अपना प्रभाव डाल पाते हैं। समाज के लोगों के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे औजार तैयार करते हैं जिससे समाज कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों में से आज हमारे साथ में मिस्टर दीपक जोशी हैं, जिन्होंने आज से 21 साल पहले LIC एजेंट्स के लिए IOE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस नामक एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की और LIC एजेंट्स के लिए पूरे भारत देश में कोई एक अलग सा ट्रेनिंग मॉडल चालू किया और लाखों एजेंट्स को एक सही तरीके से काम करने का रास्ता दिखाया। और इनके मार्गदर्शन की वजह से आज कई ऐसे एजेंट हैं जो कि एक छोटे से एजेंट से बड़े बड़े एजेंट्स बन चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर दीपक जोशी से और उनसे उनकी इस क्रिएटिव जर्नी के बारे में जानते हैं। दीपक जी, मैं आपका वो लोग जो बिजनेसेस में क्रांति लाए कि आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। वेलकम सर। दीपक जी, मुझे बड़ी खुशी है, आनंद है, हर्ष है कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी पर अपना प्रभाव डाला है और आप उनमें से एक हैं। धन्यवाद सर, भगवान की सब कृपा है। यस सर, भगवान की ही कृपा है कि जो है आप जो है आज मतलब के बिजनेसेस में क्रांति लाने का आपने जो काम किया है LIC एजेंट्स के लिए। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने काम की शुरुआत कब की और इस ट्रेनिंग के प्रोफेशन में आप कब और कैसे आए? मैं गुजरात में पैदा हुआ। ओके। और गुजरात से जो मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी, तो वहाँ फादर का रसोई का काम था। अच्छा। तो मैंने अपने हाथों से 500-500 हजार आदमी का खाना बनाया हुआ। अच्छा। बहुत हार्ड वर्क किया। ओके। फिर बॉम्बे आके टेक्सटाइल मिल में काम किया, वहाँ भी हार्ड वर्क किया। ओके। और फिर बॉम्बे आने का पर्पस था कि कुछ करूँ। ओके। और बिगर कैपिटल से कुछ होने वाला है नहीं। फिर मुझे पता चला कि एक काम ऐसा है जो मेरे दिमाग में आदर्श था, क्योंकि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल LIC एजेंट थे। ओके। और हमारे समाज में जो भी लोग फेमस थे, अच्छे थे, उसमें से कुछ लोग LIC एजेंट थे, तो पहले से मेरी इमेज LIC एजेंसी की अच्छी थी। अच्छा। हमारे गांव में जब सबके पास साइकिल होती थी, तभी एक आदमी मोटरसाइकिल लेके आता था, तो पूरे बच्चे लोग दौड़ के उसको देखने को जाते। अच्छा। ओके। ही वांट ही वाज LIC डेवलपमेंट हो रही। अच्छा। ओके। तो तभी से था कि LIC इज अ गुड प्रोफेशन। ओके। तो जब मुझे सजेस्ट किया गया कि LIC एजेंसी ले लो, तो मैं सामने से अपने किसी ने सजेस्ट किया, मुझे रिकमेंड किया, तो मैं सामने से डेवलपमेंट ऑफिसर को मिला। अच्छा। और मैंने एजेंसी लिया कुछ मार्च 13। अच्छा। 84 को मैंने उनसे अप्रोच किया। 31 मार्च को फिर हमारी एजेंसी हुई। अच्छा। बोले मेरे पास अभी टाइम नहीं, मार्च महीने से। और मेहनत करना पहले से अच्छा लगता। ओके। कोई भी काम में। अच्छा। मैं कभी कुछ काम को बुरा नहीं मानता। कचरा निकालना तो अच्छी तरह निकालो, झाड़ू मारना अच्छी तरह निकालो, सफाई करना अच्छी तरह करो, खाना बनाओ अच्छी तरह करो, जो भी काम करो दिल से करो, अच्छी तरह करो। ओके। तो इस वजह से हमने जहां भी गया, टेक्सटाइल मिल में भी जो काम किया, वहां भी वर्कर करके मैं लगा था, लेकिन 6 महीने में उन्होंने मुझे सुपरवाइजर बना दिया। अच्छा। ओके। और उनको भी लगा ये आदमी बंदा कुछ कर रहा है, और उधर से फिर प्रमोशन हो गया क्लार्क करके। तो ये जर्नी अच्छी रही। अच्छा। सोचा यार बॉम्बे आए कुछ करने के लिए आए। सो बेसिकली फिर इसमें तो कुछ लाइफ है नहीं, 400-500 रुपया महीने में कुछ होने वाला है नहीं। फिर शादी भी करनी थी, 84 में मेरी शादी भी होनी हुई। अच्छा। 84 में मैंने एजेंसी ली, 83 में एजेंसी ली। ओके। एजेंसी लेके मेहनत आदमी था करके मेहनत ऐसा किया कि पहले ही साल 21 पॉलिसी पड़ा। अच्छा। ओके। बॉम्बे में मुझे 40 लोग जानते, ज्यादा कोई जानता नहीं। ओके। 40 लोग में 21 लोग की पॉलिसी कर ली। एज यूजुअल 8-10 लोगों ने तो हमने से दोस्ती तोड़ ली, इंश्योरेंस का नाम सुन। अच्छा। ओके। कुछ लोग सज्जन निकले। अच्छा। बोले लेंगे लेंगे लेंगे, आज तक नहीं लिया। अच्छा। सज्जन इसके लिए बोला ना, नहीं बोला। ओके। और कुछ 7-8 लोग बचे दूसरे साल, उसमें से 5 लोगों ने लिया। ओके। अपने पास कोई कोटा ही नहीं था, कोई पहचान रहा नहीं था बॉम्बे में। फिर मेहनत करे लेकिन पहचान तो कोई है ही नहीं। बराबर। आखिर में फिर DO पीछे पड़े हमारे, काम करो काम करो, हर DO पीछे पड़ते ओके एजेंट को एजेंसी बचाने के लिए। मेरे DO भी मेरे पीछे बहुत फॉलोअप किया, उनकी वाइफ और दोनों ने मिलकर, रमेश शाह एंड वर्षा शाह दोनों ने बहुत फॉलोअप किया।
अच्छा ओके। फिर उनको मैं झूठ पे झूठ बोलते जा रहा था, क्योंकि आदमी नहीं थे लेकिन उनको भी बोले क्या, बराबर टालने के लिए झूठ बोलता था। अच्छा, कर रहा हूँ, हो रहा है, लेकिन कुछ था ही नहीं। और बाद में ऐसा गया, मार्च महीना आ गया तो वो भी बिजी हो गए। ओके, मैं भी मतलब बहुत, मैं तो था ही नहीं, मैं तो काम पे ही जा रहा था। अप्रैल में एजेंसी टर्मिनेट हो गई। ओके, अभी 400 रुपया पगार था और 800 रुपया LIC कमीशन आता था। अच्छा ओके, 21 साल काम किया था फिर भी। तो ऐसा लगा कि साला बुरा भी हुआ है लेकिन ऐसा लगा अच्छा भी हुआ है, कोई ले नहीं रहा है। बराबर, एक्चुअली कोई ले नहीं रहा, ऐसा नहीं, अपन किसको मिलते ही नहीं, okay. पहचान नहीं थी कैसे मिलना क्या मिलना। फिर एक दिन मेरे डीओ मुझे कहीं मिल गए, एक गुरु नानक क्रॉकरी करके शोरूम है, अच्छा शॉप है, उसमें मैं क्रॉकरी लेने को जा रहा था, बाहर निकल रहे थे। मुझे पता कहाँ है, मैंने अभी क्या है, मुझे पता अभी तो टर्मिनेट हो गया ना, अभी क्या हो सकता है, अभी वो क्या उखाड़ लेंगे। अच्छा, नहीं वापिस शुरू हो सकती है। अच्छा, मैंने बोला ये तो बोला देखो मैं आपको 8 महीने से 10 महीने से उल्लू बना रहा हूँ, आपके पास झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ, मेरे पास कोई लेने वाला है ही नहीं, मैंने सब छोड़ दिया है। बोले एक काम करो, मेरी मंथली मीटिंग जो होती है अटेंड करो, आपसे मैं जिंदगी में काम नहीं मांगूंगा। ओके, ये कुछ नया बात है, पहले काम मांगते रहे, अभी काम नहीं मांग रहे। और उन्होंने जिंदगी भर काम नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने बोला वो मैंने किया, उन्होंने बोला मेरी मीटिंग विदाउट फेल अटेंड करो, और मैंने विदाउट फेल 100 मीटिंग अटेंड की। अच्छा ओके, उनके मंथली मीटिंग, और हर मंथली मीटिंग में किसी अचीवर को बुलाते थे जनरली, तो okay. कैसे सेल करता है क्या करता है बोलते। मेरा 5.25 लाख समय से 21 लाइफ से पॉलिसी बंद हुई, एजेंसी बंद हुई थी। पहले साल 20 लाख का काम हुआ। अच्छा, दूसरे साल 60 लाख का काम हुआ। ओके, तीसरे साल 1 करोड़ हुआ। ओके, चौथे साल 2 करोड़ हुआ। क्या बात है, पांचवे साल ब्रांच का नंबर 1 एजेंट हो गया। क्या बात है, छठे साल डिवीजन में रैंकिंग। ओके, 8वें साल 9वें साल में MDRT हो गया, तभी से लेके 93 से लेके कंटिन्यूस MDRT हो गया। फिर एक पॉलिसी में 1 करोड़ प्रीमियम। ओके, एक पॉलिसी में 50 लाख प्रीमियम, मतलब कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं रहे। अच्छा, हमने तोड़े नहीं। ओके, तो एक पॉलिसी में MDRT भी हो गया, एक पॉलिसी में COT भी करके देखे, एक पॉलिसी में TOT भी करके देख लिया। अच्छा ओके, मुझे मालूम है दो एक साल में ऐसा था, LIC मेरी ब्रांच का पूरे साल का टारगेट 12 करोड़ समय शोर। ओके, और मैंने वो साल में एक ही फैमिली में 2 भाई को 12 करोड़ का पॉलिसी लेकर, क्या बात, 6-6 करोड़ की 2 पॉलिसी, मैं पूरे साल का टारगेट मैंने एक ही फैमिली में पूरा। ओके, यहाँ तक सक्सेस मिला। अब सक्सेस मिला तो ऐसा हमने किससे सिखाया, हमको लगा चलो हमारे पास भी लोग पूछने को आते ना, ऐसे भी सक्सेस मिले तो आपके पीछे लोग आते हैं। बराबर, हमें बताओ। और हमको मेरे माँ बाप के संस्कार की वजह से पहले से किसको न किसको मदद करने की भावना रहती। ओके, तो हमने सबको मदद करना है, सब घर पे आते थे, हम चाय नाश्ता कराते थे, उसको सिखाते थे, कहीं ना कहीं मिलके सिखाते थे। अच्छा, अपना खर्चा होता ही नहीं तो कोई वादा नहीं, अपने एजेंट को अपने घर पे लेके आते थे। फिर लोग डेवलपमेंट में मुझे यूनिट मीट में बुलाने लगे, और ब्रांच मैनेजर बुलाने लगे, फिर डिविजनल मैनेजर बुलाने लगे, ऑल ओवर इंडिया से। अच्छा, फ्लाइट का टिकट देते, आने जाने का खर्चा भी देते थे, पैसा भी देते थे, बुलाते थे, और पूरे डिवीजन खुश हो जाता। अच्छा, और एक सेमिनार सुन के सभी एजेंट अच्छा काम करते। अच्छा ओके, ऐसे 250-300 सेमिनार तो मैंने ऐसे ही फ्री में खड़ा था। फिर किसी आपके जैसे किसी व्यक्ति ने बताया, रमेश जोशी करके, उन्होंने बताया व्हाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग प्रोफेशनल, तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत लोगों को भला होगा। अच्छा, तो मुझे जो जो तकलीफ आई थी, अच्छा इंश्योरेंस लिया अभी तक, उसमें तकलीफ आई थी कि इज्जत का प्रॉब्लम है, मैं एजेंट हूँ किसको बोलना तकलीफ होती। ओके, फिर कस्टमर हमको देख के भाग जाते हैं, कस्टमर मिलते नहीं, फिर हम बोलेंगे तो उनके हजारों सवाल है, मैं कहाँ मरने वाला हूँ, अच्छा मुझे बहुत है बीमा, बीमे में मानता नहीं, ये सब जो मुझे जो जो प्रॉब्लम आए थे, और मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं MDRT क्वालिफाई हुआ, मैंने सभी पॉइंट को गौर किया और एक बेसिक कोर्स बनाया। अच्छा ओके, एक तीन दिन का कोर्स बनाया कि ये चीजें किसकी भी अगर सॉल्व हो जाती है, ओके देन यू कैन बी सक्सेसफुल, और हुआ भी ऐसा। ओके ओके, वो 3 दिन का कोर्स आज भी है, इसका नाम बेसिक है लेकिन अच्छा। बहुत पावरफुल है कोर्स, वो MDRT करने के लिए बहुत जरूरी है, और MDRT किया हुआ भी करेगा तो COT TOT कर लेगा। अच्छा ओके ओके, सो हमने वो फंडामेंटल बेसिक का मतलब बेस है, बराबर एक कोई भी इमारत बनती है तो उसका बेस मजबूत होना चाहिए, बराबर उसके लिए उसका नाम बेसिक रखता। ओके, और फिर बेसिक में आते गए, लोग आते गए, अच्छा जो आया उसका काम बढ़ गया, जैसे मुकेश जोशी आपने नाम बताया, अभी हमारा ट्रेनर है, वो भी एजेंसी छोड़ने का सोच के आए। अच्छा, कि चलो ये तीन, और उन्होंने डीओ ने बोला कि यार वो एक्चुअली उनको पता नहीं था कि इंश्योरेंस एजेंसी में राजीनामा देना पड़ता, क्योंकि अच्छा। नौकरी करते तो उनको लगा रेजिग्नेशन देना पड़ता होगा, तो रेजिग्नेशन देने को गए, इसमें तो रेजिग्नेशन नहीं दिया तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अच्छा, गए तो डीओ ने उनको बोला यार मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, दीपक जोशी नाम के एक व्यक्ति 1500 रुपये
17 साल पहले 2000 रुपया 1500 रुपया उसका फी है, आप करो। बोले यार मैं तो छोड़ने वाला, मुझे क्यों बोल रहे? बोले नहीं मेरी एजेंसी में आप एक ही है जिसको 30 पर बोल। अच्छा ओके। तो उनको लगा यार चलो भाई बड़ा डालते। अब दूसरा ये भी लगा कि ये छोड़ना है तो अच्छा रिलेशन रखते छोड़े। बराबर लगा यार, ऐसा लगेगा ना कुछ मेरा मान के छोड़ा। बराबर बराबर। और ये भी सोचा कि जो आदमी 1500 रुपए ले 3 दिन में खाना तो खिलाएगा। बराबर। सिखाएगा कुछ। बराबर। काम आएगा। 9 बजे सेशन में आए, 10:30 बजे अपने डेवलपमेंट में जाके प्रॉमिस कर दिया। अच्छा। फिर पूछे अच्छा कौन है क्या है, बोला आज के बाद में आपका जिंदगी भर नंबर 1 एजेंट। क्या बात है, क्या बात। आप सोचो 9 से 10:30 के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद पूरे सेशन चल पड़े। तो ये सेशन में जो भी आता है ना, उसका दिमाग लोगों को कैसे ढूंढना, क्या ढूंढना, क्या बोलना, कैसे बोलना, क्या करना, क्या डूज एंड डोंट्स, ऐसी ऐसी चीजें है ना कि आदमी एक दफे जान लेना सक्सेस आसान होता है, जो बहुत डिफिकल्ट बहुत आसान होता है। क्या बात, क्या बात। तो ये होने की वजह से जो आता है दूसरे को, तो फिर ये फैलते वैसे ही गया। बराबर। और फिर ऐसा लगा था हमने कोई ट्रेनिंग लेके तो कुछ शुरू नहीं किया था। फिर हमने ये सोचा कि जिस लोग बेसिक कोर्स करने का सक्सेसफुल होने का कभी कभी चैलेंज आ रहे सर मैं कैसे चल रहा है, मतलब दिखता नहीं कहा आओ उनको और कुछ सीखना था, मुझे मालूम इनके लिए और कुछ सीखना जरूरी है, प्रोजेक्ट वाइज नीड वाइज सीखना जरूरी। तो फिर हमने सोचा कि एडवांस कोर्स बनाया। अच्छा। हमने फिर एडवांस कोर्स करा जिसमें नीड बेस्ड है। अच्छा। और प्रोजेक्ट वाइज काम हो। ये बनाया ना तो उससे तो लोगों को और फायदा होगा, जो लोग ने बिजनेस कोर्स किया उनको फायदा तो था। बराबर बराबर। हमने पैसा कमाया था, बोले हमने 1500 डाला 1.5 लाख कमा लिए, 15 लाख कमा लिए, अभी 15-20 हजार डालने में प्रॉब्लम नहीं। बराबर। सभी लोगों ने एडवांस कोर्स करके तो हमको लगा यार तो कुछ नहीं था। बराबर। सामने ये होने के बाद ऐसा लगा कि अभी लोगों को ऐसा लगे और कुछ नहीं। देन हमने कॉर्पोरेट कोर्स करने के जिसमें सीनियर एक्सएनआई बड़े बड़े लोग कॉर्पोरेट को कैसे अप्रोच करना, कैसे कॉर्पोरेट खोल सकते हैं, बराबर आदमी रख के कैसे काम करवा सकते हैं, ये तो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिजाइन होते हैं। फिर कुछ डीओ आते थे ना वो एजेंट का कोर्स करते थे, सभी एजेंट का कोर्स वो करते थे, अभी इनका एजेंट भी साथ में बैठता। अच्छा ओके। कुछ डीओ ने बताया सर अभी हमारा और उनका नॉलेज सिमिलर हो गया। ओके ओके। हमारे लिए चैलेंज है कि वो कल हमारी सुनेंगे नहीं, तो हमारे लिए कुछ डिजाइन करो। तो सामने से हमने प्रेशर किया। अच्छा ओके। छह महीने तो चलते रहा हम। मैं एजेंटों के डीओ को कैसे सिखाऊं। बराबर बराबर। फिर भी कुछ लोगों ने हमको सीखना है, हम आपको सर मानते हैं, 15-20 लोग हम इकट्ठे सामने से फीस देते एक कमरे में चुपचाप इसको बोले हुए, और वो जो कोर्स किया उसके बाद तो जो धूम मची। अच्छा। एवरी डेवलपमेंट ऑफ। अच्छा। आज ये सोच रहा है कि ये कोर्स किया तभी तो मेरे पास ऐसे ऐसे डेवलपमेंट अभी आए टॉपर डिवीजन में टॉपर। आप मानो डिवीजन टॉपर में तो अच्छा काम हो। बराबर। उनको जबरदस्ती कोई लेके आया कोर्स। अच्छा ओके। क्या सिखाएंगे हम तो रोज करते हैं। 3 दिन के डीओ कोर्स के बाद उसने साक्षात दंडवत प्रणाम किया। अच्छा। बोले सर आज तक मैं तकदीर से कमाता था, मेरा रोज तो मुझे पता ही नहीं। अच्छा। ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त। जो आदमी लोअर था वो कहीं ना कहीं पहुंच गया। क्या बात। देन एजेंट बहुत बढ़ गए, एजेंट का काम बहुत कराने लग गया। एजेंट एमबीए की एमबीए की होगी, अगर आपको पता 10 एजेंट। क्या बात है, क्या बात। और उनका जो ग्रोथ हुआ ना आके पाउंड हो गया, हमें तो ठीक है अच्छा नहीं लगता, भगवान सर्वस्व है उनको खाली सीमित उनका रिगार्ड है। तो ये हिसाब से फिर क्या बात सब बनते गया। फिर हमें लगा कि यार अभी भी कुछ ऐसा एक साल में जलसा करना है। हमारे जितने भी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में जो कोर्स किया उनको हमें बता देगा, हमने सन्मुखाना हॉल में 3 दिन का कन्वेंशन है। अच्छा। उसमें जिसने हाईएस्ट अचीव किया या तो टॉप परफॉर्मर उनको हम बुलाते हैं, कैसे किया वो बोलते, तो इनको भी लग काम भी करते। अच्छा। 3 दिन का कन्वेंशन होता है, 15-14 साल उसको ऑलरेडी पूरा हो गया। क्या बात। 2005 में सुपर सुपर अचीवर्स को देखते हुए अचीवर्स उसका पहला ही टाइटल था, मिड द टॉप बीट टॉप। ओके। बड़े लोगों को मिले बड़े बड़े। वो हिसाब से चलते गया वो कन्वेंशन में। आप मानोगे अगले कन्वेंशन के लिए हमने डेट डिक्लेयर किया, 50% लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया अगले साल, एक साल एडवांस। अच्छा ओके। अभी लास्ट कन्वेंशन हमारा हुआ उसमें 850 लोगों ने ऑलरेडी अगले साल का बुकिंग करा। क्या बात जबरदस्त सुपर। तो लोगों को जब फायदा होता है तो हमारा भेज ये नहीं कि भाई
कॉमर्शियल बेस नहीं, अंदर जो सर्विस करके है की भावना से चल रहा है जबरदस्त। और लोग भी अच्छा, दूसरी बात एथिकल्स की कंपनी के बारे में बुराई मत करो, कंपनी को गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, बराबर क्लाइंट की कोई भी चेक छुपाओ मत, इंश्योरेंस की कोई बात क्लाइंट से मत छुपाओ, बराबर अच्छा खुद भी एथिकल बनो। कुछ लोग फीडबैक देकर काम करते हैं, हमारे आने के बाद लोग खुद भी काम करते हैं, बराबर हमारी फैमिली के साथ चीटिंग है, बराबर अगर हमने लिया तो फैमिली के साथ चीटिंग, बराबर बराबर। प्रोफेशनलिज्म तभी आता है जब रियल कुछ वर्चुअल रियल कुछ वैल्यूज हो। परफेक्ट परफेक्ट, जबरदस्त, बहुत ही मतलब बहुत कुछ सीखने लायक है आपकी ये पहले ही सवाल से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला कि आपने 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 जो है अब 500 जन का आप खाना बनाते थे आपने बोला, वहाँ से आपकी स्टोरी चालू हुई है और आज जो है 500 नहीं कम से कम 50,000 लोगों को आप सिखा रहे हैं, लाखों लोगों को आप सिखा रहे हैं। बराबर बोलना शुरू किया, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और वो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आपको बोला कि प्रोफेशनली इस काम को चालू करो और आपने जो है इस काम को प्रोफेशनल, तो जब आपने ये काम की शुरुआत की, आपने जो प्रोफेशनली ये काम करना चालू किया, उस वक्त आपका विजन क्या था, उस वक्त का आपका विजन क्या था इस काम को लेकर? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कभी ऐसा होता था, ऐसा भी वो टाइम में माना जाता है डॉग्स एंड इंश्योरेंस बिजनेस आर नॉट अलाउड। अच्छा ओके, तो वो बोर्ड नहीं लगा रहा, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट को कोई इज्जत किसान आ जाए एलर्जी करता है, ओके इज्जत नहीं, ओके। तो मैंने सोचा डॉक्टर को इज्जत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की इज्जत है, एडवोकेट को इज्जत है, सभी प्रोफेशनल की इज्जत है, तो हमको क्यों? और बेसिकली अगर उससे आधा या 1/4 काम भी करे कोई आदमी तो भी उनसे ज्यादा कमा सकते, बराबर 1/10 काम भी करे ना इंश्योरेंस एजेंसी एलआईसी में तो भी उससे 10 गुना ज्यादा कमा, बराबर। चलो इसमें रिवॉर्ड अच्छे है, इसमें टाइमिंग कम है, 5-7 साल पढ़ाई नहीं, आज ही हाँ सीख लो, ट्रेनिंग ले लो, मॉड्यूल पूरा कर लो करिकुलम हमारा, एमडीएडी के 2 लाख रुपए कमाई होती, पहले साल में कोई डॉक्टर 10 लाख नहीं कमा, बराबर। वो भी 7 साल के सीए बोलो या इंजीनियर बोलो डॉक्टर बोलो, ये सब 7 साल के करियर के बाद फर्स्ट ईयर 2-3 लाख में जाते, बराबर। वो जो 15 लाख रुपए होते थे हम लोग 50 लाख रुपए, इज्जत क्यों, बराबर। तो मैंने सोचा कि यहाँ एक ही पार्ट मिसिंग है, ओनली एजुकेशन पार्ट, ओके प्रैक्टिकल। तो मैंने जो फील्ड में पाया है मैं किसको दे दूँ, ओके। एक आदमी ने कुछ फ्लाइंग क्लब शुरू किया, उसको पायलट बनने में जो जो प्रॉब्लम आए ना वो दूसरे को ना आ रहे उसके लिए उसने ये किया, तो मुझे जो जो प्रॉब्लम आए दूसरे को ना आ रहे इसके लिए हमने ये शुरू किया, परफेक्ट। और मैं सोचा मुझे इज्जत कब मिलेगी, आप एल आई सी एजेंट बोल के इज्जत कब मिलेगी, ये सब समाज में सबके गाड़ियाँ हो सकती है, मर्सिडीज हो, अच्छा बंगला हो, ऑटोमेटिक इज्जत मिलनी है, बराबर। अभी ये शुरू किया, रीजन ये था कि कल कोई भी माँ को बच्चा पैदा हो, माँ ये सोचनी चाहिए आने वाला बच्चा मेरा इंश्योरेंस एजेंट बनना, क्या बात क्या बात। और आज की तारीख में ऐसे ही हो गया, आज की तारीख में बहुत एल आई सी एल आई सी मर्सिडीज है, बी एम डब्ल्यू है, आपकी ये बात जो है काफी हद तक सच भी हो गई है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे टॉप एजेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को एजेंट ही बनाना चाहते हैं, उनको पता है, अभी कभी कभी बच्चे लोग नहीं मालूम जाए कर ले, 6 महीने में समझ जाता है यहाँ तो प्रॉब्लम ज्यादा है, बराबर बराबर परफेक्ट। और यहाँ घूमना है, लोगों को सलाह देना है, लोगों को मिलना है, बराबर है, लोगों को घर में जाना है, चाय नाश्ता करना है, प्यार बढ़ाना है, बराबर बराबर, ऐसी टाइम की दुनिया में कहीं नहीं मिलती, परफेक्ट परफेक्ट, सही बात है। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.